अभी इसके बाद राहुल जी का विस्तृत दौरा लग रहा है, तो वहां पे विस्तृत दौरा लगेंगे, पूरे रायबरेली संसदीय क्षेत्र में लगेगा। तो अभी ये हमारा ट्रेडिशनल कार्यक्रम होता है, हर बार हम लोग इलेक्शन जीतने के बाद इसी तरह का वर्कर का धन्यवाद देने के लिए आते हैं, तो आज तो वो कार्यक्रम हुआ, इसके बाद शीघ्र ही राहुल जी का विस्तृत कार्यक्रम लगेगा। सर पूरे प्रदेश में क्या धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी? नहीं, वो तो हमारी कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया, वो तो निकलेगी, आज से शुरू हो गई है, 15 तक चलेगी। सर कांग्रेस ने 6 सीटों पर मजबूत जीत हासिल की, अब आगे 2027 के लिए क्या कुछ रणनीतियां? नहीं, हम लोग अपने संगठन को पहले तो मजबूत करेंगे, क्योंकि संगठन ही चुनाव लड़ता है, तो अभी उसी की तैयारी रहेगी कि संगठन को मजबूत किया जाए। सर बताया जा रहा है राहुल गांधी जी वायनाड से इस्तीफा दे सकते हैं यहाँ? ये तो अभी उनका वो है, मतलब मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, मेरी जो इच्छा है वो ये है कि रायबरेली से ही सांसद रहे, ये मैं दिल से चाहता हूँ। सर मंत्रालय का वितरण हुआ है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये मेरा प्रश्न नहीं है। एनडीए के जो दल है कहीं ना कहीं वो नाराज भी दिख रहे हैं। नहीं, मैं अभी जब से तब से मैं कॉन्फ्रेंस ही आ गया, मेरे को इसके बारे में, ये जो एनडीए के घटक दल है उनका मैटर है, उसमें मैं तो उनकी मीटिंग में बैठता नहीं हूँ, तो इसलिए उनके अंदर का मामला है, उसमें मेरे को कोई टिप्पणी नहीं करनी। सर रायबरेली और अमेठी का विकास किस तरह से किया जाएगा? नहीं, आपको ऐसे दोहरा रहे हो प्रश्न, वही प्रश्न फिर दोहरा रहे हो, पहले जवाब दिया इसका कि हम रायबरेली अमेठी के विकास के लिए जिस स्तर पे भी लड़ना पड़ेगा राहुल जी के साथ मैं भी लड़ूंगा। अभी इसके बाद राहुल जी का विस्तृत दौरा लग रहा है, तो वहां पे विस्तृत दौरा लगेंगे, पूरे रायबरेली संसदीय क्षेत्र में लगेगा, तो अभी ये हमारा ट्रेडिशनल कार्यक्रम होता है, हर बार हम लोग इलेक्शन जीतने के बाद इसी तरह का वर्कर का धन्यवाद देने के लिए आते हैं, तो आज तो वो कार्यक्रम हुआ, इसके बाद शीघ्र ही राहुल जी का विस्तृत कार्यक्रम लगेगा। सर पूरे प्रदेश में क्या धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी? नहीं, वो तो हमारी कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया, वो तो निकलेगी, आज से शुरू हो गई है, 15 तक चलेगी। सर कांग्रेस ने 6 सीटों पर मजबूत जीत हासिल की, अब आगे 2027 के लिए क्या कुछ रणनीतियां? नहीं, हम लोग अपने संगठन को पहले तो मजबूत करेंगे, क्योंकि संगठन ही चुनाव लड़ता है, तो अभी उसी की तैयारी रहेगी कि संगठन को मजबूत किया जाए। सर बताया जा रहा है राहुल गांधी जी वायनाड से इस्तीफा दे सकते हैं यहाँ? ये तो अभी उनका वो है, मतलब मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, मेरी जो इच्छा है वो ये है कि रायबरेली से ही सांसद रहे, ये मैं दिल से चाहता हूँ। सर मंत्रालय का वितरण हुआ है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये मेरा प्रश्न नहीं है। एनडीए के जो दल है कहीं ना कहीं वो नाराज भी दिख रहे हैं। नहीं, मैं अभी जब से तब से मैं कॉन्फ्रेंस ही आ गया, मेरे को इसके बारे में, ये जो एनडीए के घटक दल है उनका मैटर है, उसमें मैं तो उनकी मीटिंग में बैठता नहीं हूँ, तो इसलिए उनके अंदर का मामला है, उसमें मेरे को कोई टिप्पणी नहीं करनी। सर रायबरेली और अमेठी का विकास किस तरह से किया जाएगा? नहीं, आपको ऐसे दोहरा रहे हो प्रश्न, वही प्रश्न फिर दोहरा रहे हो, पहले जवाब दिया इसका कि हम रायबरेली अमेठी के विकास के लिए जिस स्तर पे भी लड़ना पड़ेगा राहुल जी के साथ मैं भी लड़ूंगा।